पूजा साइकिल किचन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की मजेदार और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले जो मार्केट से रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस मिलता है ना, वही पिज़्ज़ा बेस लिया है। उसके बाद मैंने फॉर्क से इसमें अच्छे तरीके से ना होल कर लिए हैं। वैसे इसमें होल हुए हुए आते हैं लेकिन मैंने और अच्छे से किए थे ताकि जो हमारा केचप होगा और जो हमारे स्पाइसेस होंगे वो इसके अंदर अच्छे से चले जाएँ। अब मैंने पिज़्ज़ा की जो सॉस होती है वो मैंने घर पर ही बनाई थी। उसके लिए आपको यहाँ चाहिए मेयोनीज़, तो मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच मेयोनीज़ लिया था। एक बड़ा चम्मच मैंने लिया था शेज़वान सॉस और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया था टमाटो केचप। अच्छे तरीके से इस चीज़ को मिक्स कर लेंगे और देखिए हमारा पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार हो गया। तो जैसे ही मेरा पिज़्ज़ा सॉस बन गया उसके बाद मैंने इसको जो पिज़्ज़ा बेस था उसके ऊपर अच्छे तरीके से मैंने इसको स्प्रेड कर दिया ताकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो के आए। तो अच्छे तरीके से हम इसको स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद हम इस पे लगाएंगे बहुत सारा चीज़। तो मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ को 1 कप के करीब मोज़रेला चीज़ था उसको मैंने पिज़्ज़ा बेस के ऊपर स्प्रेड किया। फिर मैंने टॉपिंग के लिए यहाँ यूज़ किया है कैप्सिकम। कैप्सिकम से हम इसको अच्छे तरीके से डेकोर कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है अनियन। तो ऐसे मैंने ना डाइस की शेप में ना इसको ना मतलब कट कर लिया है अपने हिसाब से। आप भी अपने हिसाब से इसको कट कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। और फिर मैंने इसमें यहाँ पे अनियन लगाया है क्योंकि हम मार्केट स्टाइल बना रहे थे तो मैंने कोशिश की कि मैं बिल्कुल मार्केट की तरह इसको ऐसे सजा जा के बनाऊँ। फिर मैंने यहाँ पे थोड़े से कॉर्न यूज़ किए हैं। तो कॉर्न से ना मुझे कॉर्न वाला पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है तो मैंने यहाँ पे कॉर्न भी डाल दिए। तो आप चाहें तो इसमें और भी अपने पसंद के वेजीज़ ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉर्न वॉर्न लगा के सब अच्छे से इसको अच्छे से सजा दिया था। उसके बाद मैंने ऊपर से फिर इसमें मोज़रेला चीज़ डाली थी क्योंकि अगर पिज़्ज़ा में भाई चीज़ नहीं है तो फिर पिज़्ज़ा का मज़ा ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दिल खोल के इसमें चीज़ डाली थी। अब अच्छे से इसमें मैंने चीज़ वीज़ डाल के इसको रेडी कर लिया। उसके बाद हमें इसको क्योंकि घर में बना रहे हैं तो आप चाहें तो इसको हम अवन में भी बेक कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे इसको तवे पे बनाया। ऊपर से हम इसमें चिली फ्लेक्स ऑरिगैनो वगैरह डाल के अच्छे से टेस्ट के लिए स्प्रेड कर देंगे। फिर मैंने यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑन किया है और यहाँ पे नॉनस्टिक पैन का यूज़ किया है। बिल्कुल हम इसको लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। जैसे ही हमारा पैन हल्का सा गर्म होगा हम इसमें अपना पिज़्ज़ा रख देंगे। उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पे 8 to 10 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। तो 8 से 10 मिनट के बाद देखिए हमारा पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। किस किस को ये मार्केट जैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम इसको यहाँ कट कर लेंगे। ये बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छा बना था और बनाना बहुत ईजी है क्योंकि पिज़्ज़ा बेस हमारा रेडीमेड था। तो बनकर तैयार है हमारा होममेड पिज़्ज़ा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए।